देखिए, आज चूँकि सब पार्टियों के कैंडिडेट हो गए हैं और उसमें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को छोड़कर मुख्य पार्टियों ने जो कैंडिडेट की घोषणा करनी थी उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने की। और अब ये घबराहट थी तो बाकी पार्टियों में थी और उनकी घबराहट चलते चलते तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और मेरा ख्याल आज 11 बजे या 12 बजे उन्होंने घोषणा की, 3 घंटे पहले। और 3 घंटे में पहले भी ऐसे कैंडिडेट को लेके आए जिसको अभी तक कोई चर्चा में था ही नहीं कहीं। उस नाते से कम हमारा कैंडिडेट जिसने पिछली बार सेकंड रहा था, मात्र 3 या 4 हज़ार वोटों से ही पीछे रह गया था, तो इस बार हमें बहुत बड़ी बढ़त उस नाते से ही मिलेगी कि हमारे कैंडिडेट के सामने बाकी कैंडिडेट की उस प्रकार की स्थिति नहीं है। बहुत चर्चाएं थी, उनको कैंडिडेट का मिल भी नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसे कैंडिडेट की चर्चा कर रहे थे जो भाजपा ही का एक नेता था। चुनाव लड़ रहा है। अब वो अलग बात है कि उस नेता के मन में भी महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ने की, और उसने कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे तो कोई भी पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ लूँगा। तो उस नाते से जो इतना फिसलन आ रहा है तो फिर हमने तो उसको छोड़ ही दिया था। अब वो चुनाव लड़ रहा है इंडिपेंडेंट तो लड़ेगा, चुनाव लड़ना किसी का भी अधिकार है। चुनाव वो भी लड़ रहा है, चुनाव बाकी पार्टियां भी लड़ रही हैं। तो उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा ही। अब आपकी आपकी मनस्थिति मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मेरा पहले से ही तय था कि बाकी लोग जाएंगे और स्वास्थ्य का भी कारण था और फिर बहुत सारे नेता, और उसमें कुल मिलाकर के नामांकन के लिए तो केवल पहले तो यही था कि नामांकन ऑनलाइन ही करना है। बाद में उन्होंने कैंडिडेट के साथ 2 आदमी अलाउ किए थे। अब 2 आदमी अगर वहाँ के स्थानीय नेता नहीं रहेंगे और हम ही जाके फंसेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सब हमारे बाकी बीजेपी सारे अपना मुकाबला किसे रोना दिया जी, मेन फाइट किसे रोना दिया अभी चुनाव शुरू होने दो, अभी तो आज नामांकन हुआ है। आज तो कम से कम जितना प्रोसेस, जितना जो शो था वो भारतीय जनता पार्टी का ही था, बाकी तो किसी ने कुछ किया नहीं, चुप करके जा करके नामांकन करके आए हैं। सिंह सर, जीएम के उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस में दूसरे में जो गुटबाजी देखने को मिली और रामविलास शर्मा जी ने कमेंट भी किया था पर्दा निकालने वाला, ऐसी स्थिति क्या बड़ौदा में भी बनी हुई देखते हैं क्या कांग्रेस के आप? वो तो बहुत सामने सबको दिख रहा है कि जिस प्रकार के अंतर्द्वंद कांग्रेस में रहे वो एक दूसरे को हराने में, एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, और उसी के कारण से आज 11 बजे आखिरी दिन, यानी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और वो नामांकन के बिल्कुल आखिरी दिन 3 घंटे पहले उनके कैंडिडेट को घोषित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनको धराशायी होना ये तय है। 15 साल तक कृष्ण गुर्जर जो है वो वहां से विधायक रहे हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की उनके परिवार के साथ कोई संवेदना नजर नहीं आई, उनके परिवार से हटाकर टिकट देने को आप कैसे देखते हैं सर? हार का एक कारण बन सकता है, कांग्रेस की हार का एक कारण बन सकता है। क्या करना तो क्या कार्यक्रम रहेगा सर आपका में वडोदरा में हमारी उसके बाद? टीम वहां कार्यक्रम बनाएगी, मैं जाऊंगा। सर वहाँ वैसे हम कहीं से पूछे भाजपा के क्या मुद्दे जो हैं बड़ौदा उपचुनाव में, क्योंकि बातचीत बन गई है, क्या रहेंगे? देखिए, हम कोई आज किसी स्वरूप में पहले दिन आ रहे हैं ऐसा नहीं है। हम सरकार में हैं पिछले 6 साल से हैं, 6 साल से हमारे कामों को, सरकार के कामों को जनता देख रही है, चाहे उसमें विकास के काम हो, चाहे पारदर्शिता हो, चाहे भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो, ये सारी बातें वो देख रहे हैं। जिस प्रकार से हमने ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू की, जिस प्रकार से हमने मेरिट के ऊपर नौकरियों की बात की, जिस प्रकार से व्यवस्था सुधार की बातें की, जनता को सरकार की सेवाएं उनके घर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए टेक्निकल बेसिस पर जितनी नई व्यवस्थाएं IT से बेस्ड हमने की हैं, गांव गांव के अंदर CSC सेंटर्स खुल गए, शहरों में ई दिशा केंद्र खुल गए, सरल केंद्र खुल गए, अंत्योदय केंद्र खुल गए, व्यक्ति की पहचान आधार ये पहले से चल ही रहा है, लेकिन परिवार की पहचान के नाते हम परिवार पहचान पत्र का जो एक सिलसिला शुरू किया, उसमें 1-2 विभागों का काम उसमें चालू भी हो गया है, और एक बहुत बड़ी आशा लोगों को भी है, हमको भी लगता है कि जो पात्र व्यक्ति है, पात्र परिवार है, उसको सरकारी लाभ पहुंचने चाहिए, पहले पहुंचने चाहिए, तो उस पर हम खरा उतर रहे हैं। और जो अपात्र हैं, बहुत प्रकार से ऐसी जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं और सालों से बिगड़ी हुई हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, कुछ लोगों को उसकी तकलीफ भी हो रही है। आखिर जैसे हमने अभी नए रजिस्ट्रेशन के बना, तो रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम बनाया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तहसीलों के अंदर जो भ्रष्टाचार होता था और कोई आज का नहीं है, अब ये बहुत सालों से चल रहा है। अब ये ठीक है कि उसको रोकने में हमने कई कदम पहले भी उठाए, 15-25 दिसंबर 2014 को जब पहला
सुशासन दिवस हमने मनाया, उस दिन ई रजिस्ट्रेशन का काम हमने शुरू किया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, कई उसमें से लाभ हमको दिखे। फिर भी बहुत ऐसे विषय जो लोग उसमें से रास्ता निकालते थे, खास करके जो इलीगल कॉलोनीज थी, जो कॉलोनीज काटी जाती थी और उसमें फिर अव्यवस्थित ढंग से जैसे डेवलपमेंट हो रही थी शहरों की कस्बों की, उसको रोकने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ा कि अब इलीगल तरीके से कोई भी ज़मीन उसका दायरा फिक्स कर दिया कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री होगी इसकी नहीं होगी। अब जिनकी अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही उनको तकलीफ तो होगी ही, जो इलीगल कॉलोनाइजर थे उनको तकलीफ होगी ही, तो ये तकलीफें भी कुछ लोगों को होंगी, लेकिन एट लार्ज ज़्यादा पब्लिक को लाभ होता है, थोड़े लोगों को तकलीफ होती है, तो उसके हमको कुछ चिंता नहीं। देखिए वहाँ उनके जो नेता थे, मैं बता रहा हूँ देखिए केसी बांगड़ वहाँ थे, वहाँ उनके नहीं ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जिस प्रकार का जितना समझौता हमारा इन लोगों से हुआ, हमारे कोई बहुत बातचीत उन बड़े नेताओं से होती भी नहीं है, और वो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो राष्ट्रीय स्तर का कोई विषय आएगा तो जाएंगे। अजय चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, तो हमने उनको कहा भी नहीं है। हाँ ये चौके कोविड में थे, प्रदेश अध्यक्ष वो भी इस समय मेदांता में एडमिट हैं, निशान सिंह जी, और इनके जो दूसरे मंत्री हैं वो भी अभी कोविड पॉजिटिव है, आज बल्कि कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए थे, क्या नाम अनूप धानक, बल्कि ये भी कल ही अब नेगेटिव हुए हैं। तो अब ये संयोगी होता है कि वाकई इनका समर्थन सारी बातें सारी पहले से है हमारे। हाँ जी नेगेटिव हो गए, कल तक पॉजिटिव थे। चलिए वो हमारी पार्टी का विषय नहीं है, जेजेपी पार्टी का विषय है, वो अपने आप डील कराएंगे उसको। हमने 30 नेताओं की एक सूची कौन केंद्रीय नहीं, देखिए जो बाय इलेक्शन में जो नई नेता जाते हैं उनका नाम लिखते नहीं है, अभी प्रधानमंत्री का भी बाय इलेक्शन में नहीं जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नहीं जाते हैं, तो ऐसे जो केंद्रीय नेता आने वाले हैं उनके नाम हमने लिखे हैं। जैसे आज भी जो हमारे बालन संजीव बालियान वो केंद्रीय नेता ही है, तो आज प्रत्यक्ष वो आए थे। नहीं 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 केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र के, और हमारे यहाँ एक बाय इलेक्शन है, आखिर नेताओं को भी तो हमने सीमित रखना ना, इतने नाते नेता वहाँ आ जाए, वो नीचे के लोग उनको भी तो संभलना है। देखिए लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है, एक सीमा तक कोई भी समर्थन करे विरोध करे वो ठीक है, लेकिन अगर विरोध करने में सीमा कोई पार कर जाएगा, वो बड़ौदा की बात मैं नहीं कह रहा, अभी जैसे नारायणगढ़ में हुआ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लाइन ऑर्डर को मेंटेन रखा जाएगा। तो ये कभी भी हम नहीं सहन करेंगे सरकार के नाते कि कोई लाइन ऑर्डर को अपने हाथ में ले। एक मिनट पीछे देखिए, हर किसी को, हर पार्टी के नेता को घर घर जाना चाहिए, घर के चूल्हे तक भी पहुंचना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि नहीं जाना चाहिए, अब मना करने वाले कौन है, जाएं वो और लोगों को अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, आखिर यही तो एक खेल का अखाड़ा है, इसके अंदर सब कूदेंगे और फिर जो जीतेगा जीते सो सिकंदर। जब होगा तो आपको जानकारी देंगे। देखिए जब लोग आते हैं उस समय आने से पहले कोई ऐसा आना है उन्होंने, ये तो उन्होंने भी घोषणा की थी, लेकिन आने के बाद इस प्रकार से वो लोकतंत्र की हत्या करेंगे, ये तो किसी से किसी की अपेक्षा की नहीं जा सकती। अगर वहाँ पुलिस भी थी सब थी, लेकिन अब जब तक कोई बात होती नहीं है तब तक कोई पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ऐसा थोड़ी है, वो तो जब चलती यात्रा थी और उस चलती यात्रा में दौड़ करके वो आगे आकर के बैठ गए, ये दोष तो उस समय शुरू होता है, और उस समय जो दोष किया उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है,
उनके नाम दर्ज भी किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चलेगी, सारा कुछ होगा। लेकिन ये किसी भी ग्रुप को, किसी भी संगठन को, किसी दूसरे संगठन के कार्यक्रमों में इस प्रकार का व्यवधान नहीं डालना चाहिए। आखिर शांति व्यवस्था बना के रखना हम सबका काम है, और जब कोई चीज़ बिगड़ती है तो फिर पुलिस अपना काम करती है। धन्यवाद। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री राजेश खुल्लर जी, हमको सबको जानकारी होगी कि इनकी नियुक्ति, नई नियुक्ति वर्ल्ड बैंक में, विश्व बैंक के अंदर हुई है, और पहली नवंबर को इन्होंने वहाँ ज्वाइन करना है। तो एक प्रकार की कैबिनेट मीटिंग में, क्योंकि अभी ये 5-7 दिन के बाद ये निकलेंगे, दिल्ली कट जाएंगे, कुछ वहाँ पर 2-4 दिन पहले निकलना पड़ेगा, तो आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये उपस्थित रहे और कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करके इनके आगे के काम के लिए भी शुभकामनाएं दी गई। और 5 वर्ष तक जो इन्होंने काम किया तो बहुत एक सुचारू ढंग से सारा काम किया इन्होंने, तो उसके प्रति इनका आभार और इनका धन्यवाद भी किया गया। और एक अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM का जो संबंध होता है एक बहुत प्रगाढ़ विश्वास का होता है, यानी ये माने कि मुख्यमंत्री की कलम वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथ में होती है। ये तो प्रदेश नहीं, देश के लिए भी तो अभी वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे, और हरियाणा सरकार की भी जितनी सहायता हमको आवश्यकता होगी उनको बस भेजेंगे, तो वहाँ बैठे बैठे क्योंकि बैंक का मामला है, वही वर्ल्ड बैंक का मामला है, हमें अपेक्षाएं हैं तो पूरी करेंगे। तो इसलिए इस आपके माध्यम से मुझे भी इनका आभार प्रकट करना है कि 5 साल तक बहुत बढ़िया काम किया, और कई बार तो जो काम हम मना कर देते थे जनता को ये नहीं होना, तो ये उसमें से रास्ते निकाल देते थे, इनसे अपेक्षा भी बहुत जुड़ गई थी हरियाणा की जनता की। वो 27 अक्टूबर को 1 साल पूरा होगा, अब उसमें कोई बड़ा फंक्शन कोरोना के कारण से तो नहीं करेंगे, कोई आप लोगों को बुलाएंगे चाय का कार्यक्रम तो करेंगे।